नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय पासवान जो है अपने आवास को होली खेल रहे हैं। एक बार फिर से अपने समर्थकों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। चिराग जी, लंबा संघर्ष था, लंबा सफर था, किस तरह से देखते हैं? 3 सालों का संघर्ष था आपका। देखिए, राजनीति में संघर्ष पे कभी पूर्ण विराम लगता नहीं है और आप निरंतरता में आप जनता की सेवा में आप लगे रहते हैं। पर हम इतना जरूर है कि 3 साल के संघर्ष के बाद एक सुखद पड़ाव हम लोग को जरूर मिला है। लोकसभा में जिस तरीके से पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, पार्टी में उत्साह है, परिवार में एक लंबे समय के बाद ये खुशी का माहौल देखने को मिला है। पूरा परिवार एकजुट होकर आज होली मना रहा है। पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि एक होली अभी हम लोग और मनाएंगे 4 जून को, जब परिणाम आएंगे और 400 सीटें जीत कर हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें बिहार की 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। एलजेपी में उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, कई लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, क्या चेहरे बदलेंगे या फिर पुराने चेहरों पर भरोसा रहेगा? देखिए, ये पार्टी को इसका अंतिम फैसला लेना है। संसदीय बोर्ड के द्वारा कई जानकारियां मुझे दी गई है, काफी ब्रीफिंग हुई है तमाम क्राइटेरियाज को लेकर। हैविंग सेड दैट, पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होगी आज संभवतः देर रात को या कल, उसके बाद नामों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। जमुई पहले ही चरण में है, 28 तारीख को नामांकन है। अरुण भारती जी हमारी पार्टी से प्रत्याशी, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो अपना नामांकन 28 तारीख को करेंगे। मुझे लगता है एक एक फेज में जैसे जैसे चुनाव होते रहेंगे तमाम प्रत्याशियों की। आप हाजीपुर गए थे, कैसा रिस्पांस रहा पब्लिक? एक बार फिर से रामविलास पासवान की छवि वहाँ दिख रही है, लोगों में इंतजार कर रहे हैं वो रामविलास पासवान। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, जिस धरती को मेरे पिता ने अपनी माँ माना, जो उनकी पहचान रही, वहाँ से अगर मुझे भी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा, आपके चाचा भी हैं, क्या सब चीज ठीक ठाक हो गया, भाई प्रिंस भी है, क्या होगा? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी का कोई संपर्क मुझसे नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं पता, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो मेरा ध्यान पूरी तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव पे केंद्रित है। हमारा चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी हमारी लोकसभा के चुनाव उस पर फोकस है, लेकिन तस्वीर जो है देखिए किस तरह से चिराग पासवान का इस बार कितना ज्यादा है, इस बार काफी ज्यादा है। और एक लंबे समय के बाद पार्टी परिवार में ये खुशियां देखने को मिली हैं। पापा के जाने के बाद यकीनन जहां एक तरफ उनके जाने का दुख, उसके बाद जो तमाम गतिविधियां हुई पार्टी परिवार में पिछले 2-2.5 साल सबके लिए कठिन रहे, पर ऐसे में एक लंबे समय के बाद पार्टी को एक नई मजबूती मिली है, जिसका उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। और साथ मिलकर इस बार सब लोग होली का उत्सव मना रहे हैं। मैं मानता हूं अभी एक होली हम लोग और मनाएंगे 4 जून को। संघर्ष आपने बहुत किया इन 2-3 सालों में, देखा जाए तो बहुत सारे झंझावातों को देखा आपने, चिराग को कितना मजबूत किया इन संघर्षों ने? ये कई आंधियां थी जो चिराग को बुझाने का प्रयास कर रही थी, पर ये चिराग रामविलास पासवान का चिराग है, ना बुझेगा ना झुकेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, इस संकल्प के साथ कि पार्टी को उसी मजबूती पर उससे आगे लेकर जाना है जहाँ पे पापा देखना चाहते थे, मैं सिर्फ आगे बढ़ता रहा, लोगों का साथ मुझे मिलता रहा, और ऐसे में आज एक नई मजबूती के साथ चिराग पासवान मौजूद है। हमने देखा है कि इमोशनली आप चिराग पासवान जो है देख सकते हैं कि साफ तौर पर कदे हम किसी का चिराग नहीं है, हम रामविलास पासवान का चिराग है और हमेशा नहीं झुके हैं, नहीं डरे हैं और नहीं झुकेंगे। और चिराग पासवान जो आवास पर है, जो देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की जो हर एक गाल में जो है गुलाल है, और होली का त्यौहार है, होली में जो देख सकते हैं किस तरह से जो है सब लोग रंगारंग हो चुके हैं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज के साथ। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।